नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप। मैं हूं आदेश पुरी। बिहार में लगातार क्वालिटी ऑफ एजुकेशन की बातें होती हैं, लेकिन ज़मीन पर हकीकत वैसा साफ नहीं है। केवल सरकार का ध्यान जो है वो स्कूल को नियमित चलाने, बिल्डिंग बनाने, मिड डे मील, इन्हीं सब पर रहता है, लेकिन पाठ्य पुस्तकों में क्या है, शिक्षक कैसा ज्ञान दे रहे हैं, इससे किसी को मतलब नहीं है। लेकिन सरकार की तरफ से भी खामी है। अब मैं आपको ऐसा खबर बताने वाला हूं जिसे सुनकर आपको काफ़ी आश्चर्य होगा, लेकिन असलियत जो है वो सबके सामने है। जो बिहार स्टेट की जो पुस्तकें हैं, जो कि यहां के विद्यालयों में क्लास 1 से क्लास 8 तक चलता है, उसमें अशुद्धियों की जाँच की गई और उसमें सुधारा गया, तो आपको विश्वास नहीं होगा कि कक्षा 1 से लेकर कक्षा 8 तक 85 किताब होते हैं जिनमें 6340 अशुद्धि निकला है। परफेक्शन IAS सिविल सेवा BPSC UPSC परीक्षा के लिए एकमात्र समर्पित और रिजल्ट ओरिएंटेड संस्थान, बेहतर सफलता के लिए केंद्रित परफेक्शन IAS फाउंडेशन कोर्स हिंदी और इंग्लिश माध्यम में विश्वसनीय गाइडेंस के साथ सुनिश्चित की जाती है। 64वीं, 65वीं, 66वीं BPSC परीक्षाओं में सबसे ज्यादा 107, 69, 131 क्रमशः रिजल्ट देने वाली संस्थान परफेक्शन IAS, कुमार टावर, बोरिंग रोड, पटना। अब आप सोचिए कि बिहार के बच्चों को कैसी शिक्षा दी जाती है, वर्तनी का जो है उनको सिखाया जाता है, लेकिन जब खुद पुस्तक में ही अशुद्धि रहेगा तो उनका विकास कैसे होगा, कैसे गुणात्मक शिक्षा की हम बात कर सकते हैं। और सबसे बड़ा आश्चर्य ये लगता है कि कौन से वो गुरुजी होंगे जो कि ये किताब लिखते होंगे जिसमें इतनी सारी अशुद्धियाँ हैं, जबकि किताब लिखने से पहले बहुत सारे प्रोसेस होते हैं, उनका जाँच होता है कि वर्तनी सही है कि नहीं, फैक्ट सही है कि नहीं, और तब उसके बाद छपने को जाता है। लेकिन यहाँ पर देखिए कि अशुद्धि इतना था कि लगातार समाचार पत्रों में आप देख रहे थे कि राष्ट्रीय गान में सिंध है तो सिंधु लिखा हुआ है, बाबू कुंवर सिंह के बारे में गलत जानकारी दे दी गई है। तो समझिए 6340 अशुद्धियों को सुधारा गया है, तो कैसे गुरुजी होंगे और कैसे अप्रूवल दिया गया होगा इन किताबों को छापने के लिए, कैसे पैनल बने होंगे, सारे पर यह प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है। जो खबर है आज के समाचार पत्र में ये खबर दिया हुआ है कि 1 से 8वीं तक 6340 अशुद्धियों में हुआ सुधार। राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद SERT ने एक बार फिर किताबों में अंकित अशुद्धियों को ठीक किया है। इनमें कक्षा 1 से 5वीं तक की पाठ्यपुस्तकों में 1137 त्रुटियाँ थी, वही 6ठी से 8वीं तक 5203 त्रुटियों को दूर किया गया है। आप समझिए, पहले कक्षा 1 से 5 तक 1137 त्रुटि थी, गलती था, जिसको सही किया गया है, और क्लास 6 से लेकर 8 तक 5203 गलतियां थीं, अशुद्धियां थीं, त्रुटियां थीं, जिन्हें दूर किया गया है। आप समझ सकते हैं कि क्या वास्तविकता है यहां पर बिहार में शिक्षा का, और कैसी शिक्षा दी जा रही है यहाँ पर। और आगे देखिए, आगामी शैक्षणिक सत्र 2024-25 में बच्चों को त्रुटि रहित पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध होंगी। त्रुटि सुधार के बाद बिहार राज्य पाठ्य पुस्तक प्रकाशन निगम लिमिटेड पटना से किताबों की छपाई शुरू कर दी गई है। SERT ने इसके लिए विषय विशेषज्ञों की टीम बनाई थी। 1 से 8वीं कक्षा तक कुल 85 किताबों की समीक्षा की गई, इसके बाद त्रुटि सुधार किया गया। SERT ने 2 चरणों में त्रुटि सुधार किया है। पहले चरण में 1200 त्रुटियों में सुधार किया गया, इनमें सबसे ज़्यादा इतिहास और उर्दू की किताबें में गलतियां थीं। तो सबसे पहले तो मैं बिहार के इन विशेषज्ञों पर प्रश्न उठाता हूं कि कैसे आखिर विशेषज्ञ हैं कि 6000 से अधिक गलती कर देते हैं कक्षा 1 से 8 तक की किताब में, और ये सरकार की किताबें हैं जिसको काफ़ी, कहा जाए तो काफ़ी जांच परख के बाद इसे प्रकाशित किया जाता है, और इसमें 6000 से अधिक गलती, वो भी 8वीं क्लास तक, 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं तो बाकी हैं, उसमें भी जांचने की ज़रूरत है कि इनके द्वारा क्या इन्फॉर्मेशन दिया गया है और कैसे विशेषज्ञ रखे गए हैं।
कहाँ से लाया गया है विशेषज्ञों को, और बिहार में ये जो विशेषज्ञ होते हैं वो हमेशा से ही काफ़ी विवादास्पद होते हैं। अब आप देख लीजिए, बीपीएससी के द्वारा ही पिछले साल सारे अपने पुराने पैनल को बदल दिया गया, लेकिन जो पुराने पैनल थे उनके द्वारा ऐसा प्रश्न सेट किया जाता था कि हर एक साल 8-10 क्वेश्चन को आयोग के द्वारा ही हटाना पड़ता था कि गलत सेट हो गया है। ऐसे ऐसे पैनल थे उसमें जो कि बाबू कुंवर सिंह को 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में पटना से लड़वा देते थे। ऐसे ऐसे विशेषज्ञ पैनल थे जो कि क्वेश्चन तो पूछते थे लेकिन उसमें ऑप्शन होता ही नहीं था। तो इसका वास्तविकता यहीं से पता चलता है कि जब बच्चों के पाठ्यपुस्तक में 6000 से अधिक गलतियां निकल सकती हैं तो बीपीएससी के प्रश्न पत्र में गलती निकलना कोई बहुत बड़ा चीज़ नहीं है। तो काफ़ी दुर्भाग्यपूर्ण है और काफ़ी ये अफसोसजनक है कि जो स्टेट टेक्स्ट बुक होता है या सेंटर का जो होता है जिससे एनसीईआरटी होता है उसको एक प्रमाण के तौर पर रखा जाता है, उसके दिए गए तथ्यों और उसके शब्दों पर कभी प्रश्न नहीं उठते हैं जनरली। लेकिन बिहार में देखिए कि यहाँ पर कक्षा 1 से 8 तक के किताबों में 6000 से अधिक गलतियाँ हैं जिसे खुद जो बोर्ड है उसके द्वारा सुधारा जा रहा है और फिर से छपाई करवाई जा रही है। तो विचार जरूर करना चाहिए कि आखिर कैसे कैसे विशेषज्ञ को बैठा दिया गया और किस अनपढ़ से किताब लिखवाया गया और इसी किताब के हवाले कर दिया गया बिहार के लाखों करोड़ों छात्रों को। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और समीक्षा करनी चाहिए, जांच करनी चाहिए कि क्या इसमें भी कोई भ्रष्टाचार चला है और लापरवाही बरती गई है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।